इंडियन डेमोक्रेसी 18th लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थर्ड टेन्योर के अंडर रन कर रही है। धीरे धीरे ही सही एनडीए अलायंस देश में काफी कुछ चेंजेस लेकर आ रही है, लेकिन ये बात भी बहुत एविडेंट है कि उनके टेन्योर की शुरुआत में ही मेजर इंसिडेंट्स देखने को मिल गए हैं, जैसे कि नीट यूजी 2024 कंट्रोवर्सी, वाटर क्राइसिस इन द नेशनल कैपिटल, फायर इंसिडेंट्स केसेस, हथरस स्टैम्पेड एंड मेनी मोर। और यही वजह है कि अभी लोगों को इस नई सरकार को समझने में कुछ वक्त लग रहा है। इसी बीच दो ऐसे शॉकिंग केसेस कोर्ट के सामने फाइल हुए हैं जो देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके अलायंस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रेसिडेंट चिराग पासवान के कैंडिडेचर को लेकर कैंसिल करने की बात करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दिल्ली हाई कोर्ट में दो ऐसे केसेस सुने गए हैं जहाँ एक केस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंडिडेटर को कैंसिल करने की बातें करी जा रही हैं। एक दूसरे केस में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रेसिडेंट चिराग पासवान के इलेक्शन को चैलेंज किया गया है। वैसे ही इस बार एक कोएलिशन की सरकार बनाई गई है, जिसका मतलब है कि अगर अलायंसेस के बीच कुछ भी डिसएग्रीमेंट हुआ तो गवर्नमेंट गिरने के भी चांसेस हैं। अब इसी बीच सोचिए, अगर ऐसे रेनाउंड लीडर्स के अगेंस्ट उनकी इलेक्शंस को चैलेंज करते हुए केसेस कोर्ट में दिखाई दे तो क्या असर देखने को मिल सकता है। अगर दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें तो वेडनेसडे को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लोकसभा इलेक्शंस में कंटेस्ट करने की डिस्क्वालिफिकेशन वाली प्ली पर अपना फैसला सुना दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला के बेंच ने कैप्टन दीपक कुमार द्वारा फाइल की गई अपील को सुना है। पिटीशन में कुमार ने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने 2018 में एयर इंडिया फ्लाइट को क्रैश कराने की कोशिश की थी जिसमें वो पायलट थे। हाईकोर्ट ने कुमार के इल्जाम को बेसलेस और इमेजिनेशन का नतीजा बताया है। कुमार ने ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने झूठी कसम खाई थी और उनके नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने के बाद एफर्मेशन की थी। कुमार ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंडिडेटर को भी कैंसिल करने की डिमांड की थी। कोर्ट ने कहा कि कुमार की प्ली कोई भी ह्यूमन बीइंग समझ नहीं सकता और सिंगल जज का ऑर्डर सही था। बेंच ने उनसे पूछा, आर यू वेल, योर पिटीशन इज इनजॉइड, यू आर गोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम टू अनदर, यू आर सेइंग दे हैव टेकन फॉल्स ओथ्स दैट योर प्लेन वाज अटैक्ड टू योर डॉटर बीइंग मिसिंग फ्रॉम सम फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्राइंग टू किल यू। बेंच ने ये भी कहा कि अगर कुमार हेलुसिनेशन से सफर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है, लेकिन कुमार ने कहा कि वो ठीक है और मेडिकल हेल्प नहीं चाहिए। तो हाईकोर्ट ने लोकल SHO, SDM और डिस्ट्रिक्ट जज को उन पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर एक्ट के अंडर डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करने के ऑर्डर दिए हैं। साथ ही सिंगल जज बेंच के ऑर्डर के साथ अलाइन करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कुमार की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। सिंगल जज ने ऑब्जर्व किया कि कुमार ने अपनी प्ली में रेकलेस और अनसब्सटेंटेड एलिगेशंस लगाई हैं, जिनका पर्पस बस स्कैंडलीज एलिगेशंस बनाना था बिना किसी बेसिस के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्ली में कहा गया है कि कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने और अपने अप्लायंसेस के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया है। इसमें ये भी ऐड किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, ज्योतिरादित्य और उनके साथ ही एक क्रिमिनल एलिमेंट है जो इंडियन सोसाइटी के लिए डेट्रिमेंटल है। इन्हें रोग एलिमेंट डिक्लेयर किया जाना चाहिए और फॉल्स ओथ या एफर्मेशन सबमिट करने के लिए अनक्वालिफाइड माना जाना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रू फेथ और एलिजेंस के अगेंस्ट है एज बीइंग कैंडिडेट ऑफ वाराणसी लोकसभा सीट फॉर द जनरल इलेक्शन ऑफ ईयर 2024। कुमार ने ये भी एलिज किया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर एयर इंडिया लिमिटेड के सेलिंग प्रोसेस में एविडेंस डिस्ट्रक्शन का एक्यूजेशन है, जिससे उनका पायलट लाइसेंस और रेटिंग कैंसिल कर दी गई बाय फैब्रिकेटिंग हिज रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज। पर इन सभी एलिगेशंस को दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल और डिवीजन बेंच दोनों ने ही रिफ्यूट किया है और कुमार की पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। आपको बता दूं कि ऐसी ही एक और पिटीशन ट्यूसडे को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आई, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रेसिडेंट चिराग पासवान के हाजीपुर लोकसभा सीट के इलेक्शन को चैलेंज करती थी। मंगलवार को इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विकास महाजन ने पिटीशनर के काउंसिल से पूछा था कि ये हाईकोर्ट में मेंटेनेबल कैसे है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार में है, बेहतर होगा आप प्ली वापस ले और ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट में जाएं। जज ने ओरल हियरिंग के दौरान कहा था, दिस कोर्ट विल नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन। आपको बता दूं कि पिटीशनर ने अपनी प्ली में क्लेम किया है कि वो प्रिंस राज और उनके एसोसिएट्स इंक्लूडिंग पासवान के कहने पर सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार बनी थी, जो पासवान ने
अपने लोकसभा नॉमिनेशन के वक्त डिस्क्लोज नहीं किया। प्ली में कहा गया है कि 2021 में एलिस सेक्सुअल असॉल्ट के रिलेशन में FIR रजिस्टर हुई थी और फॉल्स एफिडेविट फाइल करने या एफिडेविट में क्रिमिनल केसेस को कंसील करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 125A के वायलेशन में है, जो 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है। लेकिन कोर्ट में मौजूद इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने कहा कि इलेक्शन पिटीशन यहाँ मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि इलेक्शन बिहार में हुआ था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सेंटर के बिहाफ पर आर्ग्यू करते हुए कहा कि लॉ के अंडर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर या कैंडिडेट इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है और पिटीशनर इन कैटेगरीज में नहीं आती। उन्होंने काउंटर करते हुए कोर्ट से कहा, द एक्ट इज क्लियर, हर लोकस इज इन क्वेश्चन, यू हैव टू बी अ वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी और यू हैव टू बी अ कैंडिडेट, मेरिट विल कम लेटर, फर्स्ट द पिटीशनर हैज टू गेट ओवर द हर्डल। जिसके बाद पिटीशनर्स काउंसिल ने कोर्ट से अगली हेयरिंग डेट पर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के इशू को एड्रेस करने के लिए वक्त मांगा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को पटना हाईकोर्ट में फाइल करने पर जोर दिया, लेकिन पिटीशनर के वक्त मांगने के बाद अब 28 अगस्त को इस इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई होगी। तो आपने देखा कि जहां अभी NDA अलायंस अपने वर्किंग को स्मूथली पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे केसेस हैं जो उनके अगेंस्ट फाइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर सम और द अदर रीजंस। वहीं दूसरी ओर ऑपोजिशन लीडर्स भी इस रेस में पीछे नहीं है। न्यूली इलेक्टेड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी, उन्होंने भी अपने लिए एक नई मुसीबत मोल ली है। अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड इन बिहार अगेंस्ट राहुल गांधी, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द लोकसभा, ऑन July 2nd ओवर हिज रीसेंट रिमार्क ऑन हिंदूज इन पार्लियामेंट। अब उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है, इसको आप खुद ही देख लीजिए। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्टेटमेंट के बाद लोगों में काफी गर्मागर्मी छाई हुई है। ऐसे में डर इस बात का है कि क्या रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों में से कोई भी जनता के बारे में सोच रहा है। कमेंट योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स।